पाकिस्तान देने वाली, किस वजह से? पाकिस्तान इंशाल्लाह इस्लामी मालिक है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ है, माती देंगे इंशाल्लाह, हम विन करेंगे। मुसलमान तो एक पाकिस्तानी दूसरा मुसलमान, इसका ये जज्बे से अगर कोई भी काम करे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी जगह वो मार खाएगा। वक्त आता है, कमी पेशी होती है हर जगह में, लेकिन इंशाल्लाह उनके जहन में ये भी है दूसरा इंडिया है सामने, तो चाहे इस ग्राउंड से हमारे से लड़का कोई लेके जाएं, उसको भी आप देख लीजिएगा किस तरह परफॉर्मेंस देगा वो। तो दोस्तों, कल है भारत पाकिस्तान का एशिया कप में पहला मैच, जिसको लेकर जनता का रिएक्शन आ रहा है। पाकिस्तान की जनता इमोशन बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इस टॉपिक को रिलीजन बेस्ड में ले जाती है। हालांकि लास्ट टाइम जब भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेले थे, भारत हारा था, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद ने उस जीत को पाकिस्तान की इस्लाम की जीत बताया था। तो आप समझ सकते हो यार, वहाँ के आम लोग भी इसी तरीके की बातें करेंगे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं कल के मैच के बारे में कुछ बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। जज्बा ज़्यादा होता है तो आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके इस दफ़ा मिलेंगे? नहीं, जज्बा ज़रूर है। देखे ना, मखलूक तो अल्लाह की है ना, हम तो कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया। हम परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छी नज़र होगी हमारी, तभी हम जीतेंगे। ये नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो बहुत बड़ा है, कलमा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है। अल्लाह ताला हर चीज़ को रिस्क देते हैं और अल्लाह ताला हर एक आदमी की सुनते हैं। ये ना समझे हम ये इन्हीं चीज़ों को हम लेकिन इसी चीज़ को हम ले के आगे जाते हैं जी। हम कहते हैं नहीं जी हम जीत जाएंगे, किस तरह जीत जाएंगे? हमारे पास कोई इतना, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इतना सीनियर प्लेयर हमारे पास होते तो हमें कोई चांस होता हमें जीतने का। इंडिया की बहुत टफ टीम है बाजी। मैं तो इनकी बात के समझ नहीं आ रही है मुझे। मुसलमान तो एक पाकिस्तानी दूसरा मुसलमान, इसका ये जज्बे से अगर कोई भी काम करे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी जगह वो मार खाएगा। वक्त आता है, कमी पेशी होती है हर जगह में, लेकिन इंशाल्लाह उनके जहन में ये भी है दूसरा इंडिया है सामने, तो चाहे इस ग्राउंड से हमारे से लड़का कोई लेके जाएं, उसको भी आप देख लीजिएगा किस तरह परफॉर्मेंस देगा वो। जिम्मेदार लोग हैं जो टीम में हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है, वो उनकी बात अपनी जगह पे। तो आपके हिसाब से ये जो टीम बनी है बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन टीम है जी? कोई भी हो, पाकिस्तानी हो और मुसलमान हो, तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि कोई मैच निकाल के लेके जा सके। ये मैं 100% उनके साथ हूँ, इंशाल्लाह जीत जाएंगे जी। पहला सवाल मेरा आपसे, मैं सिंपल एक एक के पास जाऊंगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच होता है या आप सुनते हैं तो पहला वर्ड माइंड में क्या आता है? लाइक पहला वर्ड तो ये सस्पेंशन आती है, लाइक कौन जीतेगा, प्रेशर आता आपके, एक्साइटिंग मैच आपके, एक्साइटमेंट होती क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड भी ये दोनों कंट्रीज का मैच देखा जाता है ज्यादातर। जब भी सुनते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, यही आता है कि हमने जीतना है जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहाँ पे देखने वाले हैं, किस जगह पे? हमारा प्लान इधर लिबर्टी चौक में है देखने। ठीक, स्क्रीन पे जी, स्क्रीन पे करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, सबका प्लान है लिबर्टी चौक में स्क्रीन पे मैच देखने का। अगला सवाल मेरा ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टीम में से किसका पलड़ा भारी नजर आता है आपको? देखिए, इस टाइम दोनों टीम में बराबर है, ठीक है, उनकी भी बहुत अच्छी टीम है, हमारी भी इस टाइम टीम फॉर्म में अच्छी है, ठीक है। एक थोड़ा सा मिस अंडर हो गई है कि शहीन शाह फरीदी नहीं खेल रहे, फर्क पड़ेगा शहीन की फरीदी की वजह से, लेकिन उधर से जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहा है लाइक, तो इस तरह से अभी हसनैन इन लोग हैं। 10% को रेटिंग की जाए तो किसको कितने पॉइंट देंगे अभी तक इमेजिनेशन की तरफ? ऑब्वियसली पाकिस्तान को देंगे 9/10 अपने मुल्क को जीतने के चांसेस के। मैं पूछ रहा हूँ 10 में से इंडिया के कितने चांसेस हैं, पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं? ये तो भी 50-50 है, अभी 5-5 पॉइंट दोनों को मिल जाए, ये तो मैच शुरू होगा तो पता लगेगा। किस टीम का पलड़ा भारी है, यही सवाल मेरा आपसे। ये सवाल तो मुश्किल है, लेकिन मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा और मैं अगर आप रेटिंग की बात करें, हम स्पोर्ट से हट के एज अ क्रिकेटर एनालिस्ट करें तो आपको दोनों टीम के स्क्वाड सामने नजर आ रहे हैं, उस स्क्वाड को देखते हुए किसका पलड़ा? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को ही देखूंगा क्योंकि इस टाइम 10 आउट ऑफ कितने कितने दोनों को पॉइंट देंगे? मैं 7-3 7 पाकिस्तान के, 3 इंडिया के। अच्छा जी, आप? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है ना, क्योंकि एक शहीन बहुत बड़ा, वो उनको वो निकल गया है और
उनके भी है, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा वीक इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि वीक नर्वस नजर आ रहा है टेबल पे पॉइंट पे। मैच तो फिर जब होगा तो फिर तो परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन अभी टेबल पॉइंट की बात है। पॉइंट पे भी उसमें मसला है ना, क्यों हमारे जो बैट्समैन अभी खेल रहे हैं, इधर हो गया आसिफ हो गया, अभी उन्होंने कोई मैच नहीं खेला जो है, और उनके जो बैट्समैन है वो रेगुलर मैच खेल रहे हैं, लेकिन उनका लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने भी काफी टाइम से मैच नहीं खेले, ये भी है, लेकिन ये बराबर है टीम दोनों में, पांच पांच पॉइंट दोनों। आप पांच पांच दोगे, आप कितने पॉइंट देंगे? मैं भी दोनों 50-50 है दोनों टीम। अच्छा अब आ जाती है कैप्टन पे, बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा, दोनों की कैप्टनसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, दोनों में से तगड़ा कैप्टन कौन है और बैट्समैन तगड़ा कौन है? बैट्समैन तो ऑब्वियसली बाबर आजम है इस टाइम नंबर वन बैट्समैन है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो रोहित शर्मा काफ़ी पुराने हैं, उनके पास काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस है, और लाइक उनकी टीम में भी काफ़ी पुराने प्लेयर खेल रहे हैं जैसे शेखर धवन हो गया, उसके अलावा विराट कोहली खुद हैं। कैप्टनसी अगर बाबर आजम की रोहित शर्मा की देखी जाए तो अच्छा आपको नज़र क्या आ रहा है कि दोनों में से अच्छा कैप्टन कौन साबित हो इस तो इस टाइम? तो बाबर आजम अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्टनसी। अच्छा कैप्टन की बात की जाए बाबर आजम वर्सेज रोहित की, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा एक्सपीरियंस और कौन सा अच्छा कैप्टन फिलहाल चल रहा है? मैं तो बाबर आजम की ही करूंगा क्योंकि रोहित शर्मा को मैंने इतनी कैप्टनशिप में देखा नहीं है, और वैसे भी उनको इंटरनेशनल में मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ आईपीएल में कैप्टन। अभी तो अभी लेटेस्ट इंडिया के भी कैप्टन है हर फॉर्मेट जी, ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा तो अभी न्यू है, मतलब पहले विराट कोहली था। बाबर आजम बेस्ट है अभी फिलहाल, अभी दोनों में से बाबर आजम ठीक है। अब आ जाते हैं बैटिंग ऑर्डर की तरफ, बाबर आजम का मुकाबला विराट कोहली सूर्या कुमार यादव से है, ठीक है उधर से वो है, तो बाबर आजम और सूर्या कुमार, क्योंकि सूर्या कुमार यादव भी दूसरे नंबर पे आ गए हैं, वो भी काफी खतरा साबित हो गए हैं। पहले तो विराट कोहली रोहित शर्मा होता था, केएल राहुल, लेकिन अब एक नया चेहरा आ गया है जो कि टक्कर देने वाला है। बाबर आजम वर्सेज सूर्या कुमार यादव का क्या कहेंगे? देखिए ये उस दिन उस टाइम और उस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लाइक आप कितना डिलीवर कर सकते हो, जो उस दिन अच्छा डिलीवर कर जाएगा वो अपने परफॉर्मेंस अच्छी दे जाएगा। सूर्या कुमार यादव और बाबर आजम में दोनों नंबर वन टू हो गए हैं, तो वो तो न्यू है ना अभी, उसने इतने मैच भी नहीं खेले हैं। कंपैरिजन बाबर आजम नंबर वन पे है, कितने साल से रह रहा है सूर्या कुमार, अभी वो वन पे है, वर्ल्ड वाइड वन पे है बाबर आजम, इतने उसके वो है। अच्छा अब आ जाते हैं हम ऑलराउंडर की तरफ, हमारे पास ऑलराउंडर शादाब खान है, उनके पास रविंद्र जडेजा है, तो इन दोनों की ऑलराउंड पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बैटिंग बॉलिंग करते हैं, वे भी बैटिंग बॉलिंग करते हैं, दोनों की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहेंगे? दोनों टीमों के पास एक एक ऑलराउंडर है, दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी तरफ से, लाइक दोनों अगर टीम के अंदर होंगे तो काफ़ी फ़र्क डालेंगे। तो बेसिकली बात वही एंड पे आ जाती है कि उस टाइम पे डे पे लाइक मत टक्कर के मुकाबले के ऑलराउंडर जो अच्छा तो अपना डिलीवर कर गया। ऑलराउंडर के बारे में क्या कहें? ऑलराउंडर के बारे में जडेजा बेहतर है, बेहतर ऑलराउंडर में कौन सा बेहतर है? शादाब भी बेहतर है क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी है, उसके बाद उनके ज़्यादा चांसेस हैं। जडेजा और शादाब सेम है, लेकिन जो मैच है वो टॉस पे डिपेंड करता है, जो जीतेगी टॉस वो जीतेगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन, हम बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास अब जो शहीन नहीं थे, हमारे पास अब हारिस हैं, असनैन है, जो है स्पिनिंग में जो है शादाब है, उनके पास जो है वो शामी भी नहीं है, उनके पास जो है वो भुवनेश्वर है, जडेजा है, मतलब बॉलिंग दोनों की पे आ जाते हैं, बॉलिंग किसकी अभी नजर आ रही है, क्या इंडियन बैट्समैन पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने क्या फील करेंगे? अब बॉलिंग और बैटिंग में आ जाएं कि हमारी बॉलिंग तगड़ी है कि उनकी बॉलिंग तगड़ी है फिलहाल? फिलहाल तो हमारी अच्छी लग रही है बॉलिंग, लेकिन वही शहीन वाली बात थी, लाइक अब हसनैन अच्छा खेल रहे थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उससे काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा लाइक टीम। अगर हम बॉलिंग की रेटिंग करें तो 10 out of 10 बॉलिंग 60-40 बॉलिंग पे आ जाए, बॉलिंग पे मैं 50-50 उनकी अच्छी बॉलिंग है, उनको 60 दे रहे हैं, अपनी 40 दे रहे हैं शहीन ना होने की वजह से, ना होने की वजह से सेम 60-40 शहीन ना होने की वजह से, बिल्कुल हमारे पास कोई एक्सपीरियंस वाला बॉलर नहीं है, हार्ड से बाउंस को भी रन लगता है, मोहम्मद आमिर को खिला लेते तो काफी, एक सीनियर बॉलर खिला लेते तो लाइक काफी फर्क पड़ता है। अपनी टीम के लिए मैसेज दे दें एंड पे, एक एक अपनी टीम के लिए कोई विश दे दें। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, पाकिस्तान जीत सकता है। देखो यार भाई मैच है, मैच में कोई भी टीम जीत सकती है, पाकिस्तान या भारत, ये T20 का गेम है, दो तीन ओवर में अगर यहाँ वहाँ हुआ और फिर वहाँ पे मोमेंटम चला जाता है जो मेन टीम रहती है, फिर वापस आने में बड़ी डिफ़िकल्ट होता है, और भारत बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान के मुकाबले, ये आप माने ना माने, पाकिस्तान अभी नीदरलैंड से खेल कर आ रही है, नीदरलैंड के साथ लास्ट मैच वो हारते हारते बचे थे, और पहला वाला मैच भी 8-9 रन से जीते थे, तो आप समझ सकते हो यार पाकिस्तान की हाल, और पाकिस्तान का मेन बॉलर
शाहिन अफरीदी है नहीं, वो होता तो कुछ चांसेस बनते, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जिसने लास्ट टाइम भारत पाकिस्तान के बैच जो मैच हुआ था वो बीच में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शुरुआत में ही पूरा काम ख़त्म कर दिया था, रोहित को भी आउट किया, केएल राहुल को भी आउट किया, फिर उसके बाद शायद सूर्य कुमार यादव को हसन अली ने आउट किया था, और फिर थोड़ा सा विराट और पंत की पार्टनरशिप हुई थी, और फिर भारत बहुत प्रेशर में आ गया था यार। एक तो इतना प्रेशर रहता है इस मैच में, ऑब्वियसली आपको लगता होगा भारत बड़ी टीम है, लेकिन प्रेशर में दोनों टीमें रहती हैं, तो आप समझ सकते हो यार। भारत का भी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लेयर है T20 का सूर्य कुमार यादव, करंट टीम की बात कर रहा हूँ, करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, है तो सभी बड़े प्लेयर, लेकिन जो करंट बहुत ज़्यादा फॉर्म है सूर्य कुमार यादव है। उसके बाद मैं ऋषभ पंत को रेट करूँगा, उसके बाद मैं DK को रेट करूँगा। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। वैसे आपके हिसाब से भारत की टीम क्या होगी? मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये चार तो कन्फर्म है। पाँचवें नंबर पर शायद ऋषभ पंत को लिया जाए, छठवें नंबर के लिए शायद हार्दिक पांड्या को लिया जाए, सातवें नंबर के लिए आपको पता है जडेजा, आठवें नंबर के लिए चहल, नौवें नंबर के लिए होंगे मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह को खिलाया जाएगा, दसवें नंबर के लिए कौन रहेंगे बॉलर्स? एक तो बहुत सारे बॉलर्स बाहर हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि क्या टीम प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बेस्टमैन बताया है मुझे ऐसा लगता है कि DK की टीम में जगह बनती है जिस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो DK को किस तरीके से टीम में सेट किया जाएगा ये भी एक चैलेंजिंग रहेगा। ऋषभ पंत या DK में से क्या किसी एक को चुना जाएगा, आपको क्या लगता है? प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।